फ्रेंड्स, अब आप अपने पीएम किसान की ई केवाईसी आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। अब आपकी सीएससी से थ्रू कराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप मोबाइल फोन से या लैपटॉप में डायरेक्ट साइट ओपन कर पीएम किसान की ई केवाईसी कर सकते हैं। आप पीएम किसान की ई केवाईसी कैसे करेंगे, चलिए हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तुरंत पाएं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। देखिए, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप पीएम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउजर लिखेंगे pmkisan.gov.in पर लिखेंगे, उसका सर्च पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ आपके सामने इस तरह की ऑप्शन वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखाई देगा। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज बिल्कुल लैपटॉप की स्क्रीन तरह से होगा। जैसे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जूम करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पर आपको दिखाई देगा पीएम किसान का। पीएम किसान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी पीएम किसान का ई केवाईसी वाला ऑप्शन एक्टिव कर दिया गया है। अब आप ओटीपी से भी अपने आप ई केवाईसी कर सकते हैं पीएम किसान की। पीएम किसान से अब आप पीएम किसान की घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं ई केवाईसी। इसके लिए आपका ई केवाईसी वाला ऑप्शन एक्टिव कर दिया गया है। अब आप आधार कार्ड के मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक काफ़ी पसंद आई होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ई केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और रिलेटेड इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।